हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिवाली नज़दीक है, सो मैं सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दिवाली फेस्टिवल को मन में रखते हुए मैंने सोचा कि ढाबा स्टाइल पनीर बनाऊं मैं, ताकि आप इस फेस्टिवल में इस रेसिपी को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हम लोग ले रहे हैं एक लाल सा टमाटर। सो एक ही टमाटर हम लोग यूज़ करेंगे, उसको इस तरीके से हम लोग को कर लेना है ग्रेट। सो इस तरीके से ग्रेट करने से क्या होता है, जो टमाटर का छिलका अलग हो जाता है और जितना भी जूसेस है वो टमाटर का इस तरीके से निकल जाता है, और इससे ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और टेस्टी होता है। खड़े मसालों में हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 2 तेज़पत्ता, काली मिर्च, जीरा है, 2 इलायची है, 2 लौंग, दालचीनी और सूखी लाल मिर्च। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। एक प्याली में हम लोग ने ले लिया 1 चम्मच बेसन, उसमें हम लोग ये जो भी मसाले हैं इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। सो बेसन हम लोग इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इसका ग्रेवी जो है बहुत ही स्मूथ हो और थिक हो, अच्छा बने। सो ये सारे मसालों और बेसन को हम लोग मिक्स करके साइड में रख देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है हम लोग को और इसको हम लोग रख देंगे साइड में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं फाइनली चॉप प्याज। सो प्याज को हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग को चॉप कर लेना है। उसके बाद जो टमाटर मैंने ग्रेट कराया था वो है, 3 हरी मिर्च लिया है मैंने, दही को फेंट लिया है अच्छे से, अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये है हम लोग का खसखस, यानी कि पोस्तदाना या पॉपी सीड भी बोल सकते हैं, इसको पीस लेना है हम लोग को। उसके बाद एक कढ़ाई लेना है, उसमें हम लोग ने तेल ऐड कर लिया है पहले ही, इसको गरम कर लिया है, और उसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम पनीर। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अमूल पनीर। सो इसको हम लोग को जस्ट 2 से 3 मिनट स्लाइटली हम लोग को मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है और उसको इस एक प्लेट में हम लोग को निकाल लेना है। ज़्यादा हम लोग को फ्राई नहीं करना है, हम लोग को पनीर को सॉफ्ट ही रखना है, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं इसको अभी। सो बाकी जो तेल बचा है उसको हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग अपनी ग्रेवी में, तेल को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। सो एक कढ़ाई में हम लोग जितना भी खड़ा मसाला है उसको हम लोग डाल देंगे और उसको हम लोग 2 से 3 मिनट्स अच्छे से भून लेंगे, जब तक इसमें से अच्छा एक खुशबू नहीं आ जाता। जब इसमें अच्छा सा खुशबू आने लगे तब उसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं 1 चम्मच घी, और घी ऐड करने के साथ साथ हम लोग ऐड करने वाले हैं ऑयल जिसमें हम लोग पनीर फ्राई किया था, और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा प्याज। सो इस टाइम हम लोग कर देंगे फ्लेम को मीडियम टू लो में और इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे प्याज को। प्याज को इसी तरीके से हम लोग को कंटिन्यूसली चलाते रहना है। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा प्याज जो है 50% गल चुका है, लेकिन और हमें इसको पकाना है। सो जब इस तरीके से लाल हो जाए ये गोल्डन ब्राउन, उसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं हरी मिर्च और साथ ही हम लोग ऐड करेंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। सो इसको हम लोग को अच्छे से इसमें मिला लेना है और 5 से 10 मिनट तक पकाना है, जब तक अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर नहीं हो जाता। तो अच्छे से हम लोग को इसको पका लेना है मीडियम फ्लेम में। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका कलर इस तरीके से हो गया है और इसमें अब हम लोग ऐड कर रहे हैं टमाटर का जो प्योरी हम लोग ने ग्रेट करके रेडी किया था। सो टमाटर को भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे मसालों में, ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं भूनकर इतना सुंदर कलर हो चुका है। अब इसमें हम लोग ऐड करने वाला है हमारा जो मिक्सचर हम लोग ने रेडी किया था बेसन के साथ, वो इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे और अच्छे से उसको हम लोग कर देंगे मिक्स। अब इसको भी हम लोग को पकाना है अच्छे से, और साथ ही हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। सो आप अपने हिसाब से पानी ऐड थोड़ा थोड़ा करके इस मसालों को अच्छे से भून सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ग्रेवी आप देख सकते हैं अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा पिसा हुआ पोस्तदाना, यानी कि खसखस या पॉपी सीड्स भी बोल सकते हैं। सो इसको हम लोग मसालों में अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और इसको हम लोग 10 मिनट्स अच्छे से मीडियम फ्लेम में पका लेंगे।
और आप देख सकते हैं इस स्टेज में हम लोग ऐड करेंगे हमारा फेटा हुआ दही। सो दही जैसे ही आप डालें आप फ्लेम को लो कर दें, वरना दही जो है फट जाता है। लो फ्लेम में ही आप दही को डालकर मिक्स करें। उसके बाद दही डालने के बाद 10 मिनट्स पकाने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे हमारा पनीर, और पनीर को हम लोग अच्छे से कोट कर देंगे मसालों में। मसालों में अच्छे से ऐड करने के बाद इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी। सो कसूरी मेथी को मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब इसको हम लोग गैस को कर देंगे ऑफ और सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ढाबा स्टाइल पनीर का रेसिपी रेडी है। तो दिवाली में आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।